हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का एक कंटेंट बहुत ही ज्यादा यूनिक की तरह होने वाला है। सबसे पहले आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि भाई एक महीने की इनका अर्निंग कितना ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा गया एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग, यहाँ पे भाई $853 से लेकर $13,700 तक भाई ये एक महीने में अर्न करते हैं सिर्फ 2 मिनट काम करके। अगर दोस्तों आप लोग भी इनके जैसा ही कंटेंट अगर क्रिएट करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो 100% आपका जो चैनल है बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आप लोग को, सिर्फ मैच 2 से 5 मिनट के अंदर ही आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इनका जो कंटेंट है बहुत ही ज्यादा यूनिक की तरह है। तो आखिर ये कंटेंट है कौन सा और आप लोग को क्रिएट कैसे करना है, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इनका जो कंटेंट है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूं। तो डायरेक्ट मैं कट कर देता हूं। कट करने के बाद अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे सर्च वाले क्लिक करता हूं और यहां पे मैं सर्च करता हूं नेटरॉन टीवी। उसके बाद देख सकते हैं यहां पे एक चैनल आ चुका है जो कि भाई सिर्फ मैच 39 वीडियो में 7,22,000 इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और दोस्तों आपके मन में डाउट होगा कि ये चैनल मोनेटाइज है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज्वाइनिंग का ऑप्शन ऑन है। मतलब दोस्तों इनका चैनल जो है वो मोनेटाइज है। ज्वाइनिंग का ऑप्शन ऑन होने का मतलब ही वही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं ये लॉन्ग वीडियो क्रिएट नहीं करते हैं, ये शॉर्ट वीडियो पे काम करते हैं। लेकिन भाई 39 वीडियो में भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मतलब दोस्तों 7.5 लाख हो चुके हैं तो 1 मिलियन भी होने में देरी नहीं लगेगा। अब इनका कॉन्टेंट कौन सा है, किस तरह का है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैं एक प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए वाले बकेट में चली गई, लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, ये सारे बकेट्स तो आपस में घूमने लगी, अब आप कैसे ढूंढेंगे इस फिश। अब ये दोस्तों ना ये लॉन्ग जो भाई ये जो लंबे वीडियो मतलब कोई बड़ा इंसान होता है वो भी देखेगा और छोटे बच्चों भी देखने के लिए पसंद करेंगे इसको। मतलब हर कोई देखेगा इस तरह का कॉन्टेंट, क्योंकि इस तरह का कॉन्टेंट भाई बहुत ज्यादा यूनिक की तरह होता है और थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप और थोड़ा क्वेश्चन टाइप हो जाता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए दोस्तों बड़े लोग भी देखना पसंद करेंगे और छोटे बच्चे भी देखना पसंद करेंगे, इसीलिए इस तरह का वीडियो वायरल होता है। इनका जो पॉपुलर व्यूज है मैं पॉपुलर व्यूज दिखा देता हूँ। देख सकते हैं भाई 20 मिलियन, 8,60,000, यहाँ पे देख सकते हैं 5,77,000। मतलब भाई मिलियन तक इनका जो है वो भाई व्यूज गया, वो भी 20 मिलियन तक व्यूज गया है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि भाई उतना ज्यादा तो अर्निंग होगा, सिर्फ मैच 2 से 5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा आप लोग को नहीं लगेगा इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने में। अब दोस्तों आप लोग को क्रिएट कैसे करना है और मटेरियल क्या क्या यूज करना है वो पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे मैं आप लोग को प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो में इनका कोई प्ले करके दिखा, देखिए ये वीडियो है। अब इसके अंदर यहाँ पे टोकरी है, यहाँ पे बकट है, मतलब बकट बोली या टोकरी बोली, और मछली जा रही है इसके अंदर घुस जा रही है। अब ये आ गया। अब दूसरा मैं प्ले करके दिखाऊँ, यहाँ देख सकते हैं भाई घर है और यहाँ पे मतलब टेडी बियर, मतलब यहाँ पे कार्टून आ गया। अब तीसरा मैं दिखा दूं, देख सकते हैं यहाँ पे दूध और यहाँ बिस्किट आ गया। मतलब दोस्तों आप लोग अपने दिमाग के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लेता हूँ मुझे एग्जांपल आप लोग के सामने दिखाना है, तो मैं मान लेता हूँ एक टोकरी ले लूंगा या बाल्टी ले लूंगा और उसके अंदर मछली या तो कोई बिल्ली उल्ली ले लूंगा और आप लोग को दिखा दूंगा। आप लोग अपने हिसाब से समझ के और करिएगा, सेम उसी तरह से आप लोग का जो भाई कंटेंट है बहुत ज्यादा यूनिक की तरह हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को मटेरियल कैसे आप लोग को डाउनलोड करना, पहले भाई यही तो आप लोग को मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तभी आप वीडियो को क्रिएट कर पाएंगे और अपना वॉइस ओवर भी दे पाएंगे। अगर आप वॉइस ओवर नहीं देते हैं तो अपने चैनल का लोगो भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका इजी तरीके से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को मटेरियल्स डाउनलोड करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग गूगल या क्रोम से भी डाउनलोड करते हैं तो आपका इजी तरीके से हो जाएगा, लेकिन आप लोग को सर्च करके साइट में जाना पड़ेगा। साइट में जाने के बाद आप लोग को वो चीज देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं आप लोग को एक ऐप के बारे में सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों वो ऐप इतना ज्यादा बेस्ट है कि मिनी सेकंड के अंदर ही आप लोग को जो चीज आपके मन में डाउट है या कोई भी इमेज चाहिए वहां पे आप लोग सर्च करके ले सकते हैं। तो आखिर वो ऐप आप लोग को मिलेगा कहाँ पे, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करना है, सर्च वाले क्लिक करके इमेज सर्च, यहाँ पे इमेज सर्च इतना लिख देना है। लिखने के बाद आप लोग को ये वाला ऐप दिखाई देगा, ये वाला ऐप आप लोग को इजी तरीके से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इसको ओपन करना है। अब जब आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे मान लेता हूँ मुझे चाहिए बाल्टी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाल्टी, बाल्टी इतना मैंने लिख दिया, बाल्टी पीएनजी में लिख देता हूँ, शायद पीएनजी मुझे यहीं पे मिल जाए। अगर यहाँ से पीएनजी नहीं मिलेगा तो आप लोग को बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी मैं आगे वो भी प्रोसेस आप लोग को बता दूंगा ताकि आप लोग को कोई भी डिस्टर्बिंग ना हो, फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पता चलते रहे। अब यहाँ देखिए आप लोग को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने बहुत ज्यादा बाल्टी देखने के लिए मिल गया है। तो मान लेता हूँ आप लोग को कोई भी एक बाल्टी डाउनलोड करना है, तो मान लेता हूँ मुझे ये वाला बाल्टी चाहिए,
एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए वाला बाल्टी मुझे डाउनलोड करना है, तो इसी तरीके से यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। अब ये जो आपका बाल्टी है ना, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड आपके गैलरी में सेव हो चुका है, इजी तरीके से हो गया। अब मान लेता मुझे बैक आना है, फिर दोबारा बैक आना है, अब यहाँ पे मैं फिर से सर्च कर देता हूँ, और मुझे चाहिए जैसे कि मछली लेता हूँ, या तो मतलब मैं कैट ले मतलब बिल्ली लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं कैट लिख देता हूँ, कैट PNG, ठीक है, PNG मैं लिख देता हूँ। PNG लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैट क्या यहाँ पे बिल्ली आ चुकी है। अब यहाँ पे बिल्ली आ चुकी है, तो यहाँ पे कोई भी एक बिल्ली यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए यही वाला मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देख सकता हूँ उसका डेरो पे क्लिक कर दूंगा, अब ये मेरा PNG में ही कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों मान लेता हूँ ये मेरा इमेज एक बार चेक कर लेता हूँ कि PNG में हुआ है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको चेक करने के लिए मैं अपने गैलरी में जाता हूँ, गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं हो चुका है, ये भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे आपका जो इमेज डाउनलोड हुआ है ना, वहाँ पे भाई थोड़ा सा लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप लोग को नहीं लेना है, दूसरा इमेज डाउनलोड कर लेना, वहीं से दूसरा इमेज डाउनलोड करना। तो सबसे पहले यहीं पे आना है। अब मैं ये वाला बिल्ली डायरेक्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी सर्च कर रहा है, तो सर्च कर रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको आप लोग को एरो पे क्लिक कर देना है, फिर दोबारा इस बिल्ली को भी देख लेना है कि ये डाउनलोड हुआ है कि मतलब सही तरीके से यहाँ पे है कि नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं बिना लिखा हुआ यहाँ पे बिल्ली मुझे मिल चुका है। आप लोग अगर मतलब डाउनलोड जब करिएगा तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि आपके मतलब पोस्टर पे आपके इमेज पे कुछ लिखा हो ना हो, ऐड वगैरह ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे भी कुछ नहीं लिखा है और इस पे भी कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना, आप डायरेक्ट आप लोग को कट कर देना, यहाँ पे दो मटेरियल आप लोग को मिल चुका है। आप लोग को सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज की भी जरूरत पड़ेगी, तो बैकग्राउंड इमेज भी आप लोग जाके सिंपल से उसी इमेज सर्च पे जाएंगे और उसके बाद बैक आ जाएंगे, यहाँ पे फिर दोबारा बैक आएंगे और यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे बैकग्राउंड, यहाँ पे BACK बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लिख देंगे। बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे तो आप लोग को इस तरह का मिलेगा, लेकिन आप लोग को कार्टून वाला बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे आप स्टार्टिंग में ही कार्टून बैकग्राउंड इमेज इतना लिख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे कार्टून बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। तो मान लेता हूँ मुझे ये वाला इमेज डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को ध्यान देना है कि कोई लोगो नहीं रहना चाहिए, उसका यहाँ पे एरो का एक ऑप्शन दिखा देगा, आप लोग को एरो पे क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड आपका तीन मटेरियल वहाँ पे लगा, तीनों मटेरियल डाउनलोड हो चुका है। अब आप लोग को करना है क्रिएट। तो दोस्तों क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को काइन मास्टर को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने से यहाँ पे आप लोग को क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप लोग को क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है और आप लोग को शॉर्ट वीडियो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग को 9:16 वाले रेशियो पे सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना है, उसके नीचे क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को क्रिएट पे क्लिक कर। अब दोस्तों वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को मीडिया वाले क्लिक करना है। क्लिक करने तो आप लोग जो बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड किया उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसका जो लेंथ है वो 4 सेकंड का है, तो आप लोग को इस तरह से 10, 12 या 15, 20 सेकंड कर लेना है, जितना भी आप वीडियो का लेंथ रखना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग को इमेज वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करना पैन एंड जूम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को पैन एंड जूम पे क्लिक करना है, फिर दोबारा इक्वल पे क्लिक करना है और इसको इस तरह से जूम कर लेना है, इस तरह से यहाँ पे जूम कर लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब फुल फ्रेम में ये हो जाए। अब आप लोग को बैक आना है, फिर दोबारा बैक आना है। अब आप लोग को यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को लेयर वाले पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग जो बाल्टी डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करना है, इसका जो लेंथ है इस तरह से आप लोग को बढ़ा लेना है, बाल्टी का जो लेंथ है इस तरह से बढ़ा लेना, अपने वीडियो के अनुसार आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को बढ़ाने के बाद इसको क्या करना है, इस तरह से छोटा कर लेना है, इस तरह से जहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से छोटा कर लेना है। दोस्तों मैं आप लोग को यूनिक की तरह बताऊंगा और आप लोग का टाइम बचे इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग को 3-4 बाल्टी ऐड करना पड़ेगा, तो आप लोग को ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को लेयर वाले यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है साइड में। उसके बाद आप लोग को डुप्लीकेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को डुप्लीकेट कर देना है, फिर दोबारा इस पर क्लिक करना और डुप्लीकेट कर देना है। यहाँ पे 3 लेयर में हो चुका है। अब आप लोग को सेकंड वाला लेयर मान लेता है इधर कर देना है, इतना पे एडजस्ट कर देना है। फिर दोबारा जो हमारा ये 3rd वाला लेयर है यहाँ पे जो दूसरा है इसको यहाँ पे कर देना है, इस तरह से पकड़ के यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे करने के बाद देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारा जो साइज है वो साइज बिल्कुल सेम हो चुका है। यहाँ पे इसको भी कर देना है और ये जो है ये भी एडजस्ट अच्छी तरह बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद अब आप लोग को बैक आना है। बैक आने के बाद अब फिर दोबारा आप लोग को लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को लेयर वाले पे क्लिक करना है, फिर दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को ABC लिख देना है, जिस तरह से वो लिखा गया था उसी तरीके से आप लोग को ए लिख देना है। ए लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यहाँ पे आप लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रोबो बोल्ड ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को कलर भी चेंज कर देना है, यहाँ पे कलर पे क्लिक करना और रेड कर देना है, यहाँ पे रेड हो चुका है।
अभी यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आउटलाइन भी कर सकते हैं आप लोग, इसको ऑन कर देंगे, यहाँ पे आउटलाइन हो चुका है देख सकते हैं, उसका एडजस्ट भी कर लेंगे। इसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद अभी आप लोग यहाँ पे अगर टच करेंगे तो छोटे में है तो आप लोग का छोटा बड़ा होएगा, इसीलिए आप लोग टच मत करिएगा। सबसे पहले आप लोग को नीचे आना, ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना और इसके हिसाब से आप लोग को ऊपर कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर हमारा जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल अट्रैक्टिव की तरह होगा। यहाँ देख सकते हैं इस लाइन के करेंगे, यहाँ पे छोटा बड़ा होगा, इधर इससे करेंगे तो इससे इधर उधर होगा, ठीक है, यहाँ पे इधर कर देंगे। करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, फिर दोबारा यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद एक लेयर क्या करना है, पकड़ना और यहाँ पे ला देना है, ठीक है, इस तरह से ला देना है, यहाँ पे ला देना है, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर पे जाके इधर कर देता हूँ, थोड़ा नीचे कर इधर कर देता हूँ, इसी तरीके से एडजस्ट करना है। अब आप लोगों को क्या करना है, बैक आना है, फिर दोबारा एडिट पे जाना है और यहाँ पे ए लिखा है तो आप लोग को बी लिख देना है, इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बी हो चुका है, अब यहाँ पे ए बी सी अब आ जाएगा, तो फिर दोबारा थ्री डॉट पे क्लिक करना और डुप्लीकेट कर देना है। करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, फिर दोबारा यहाँ पे एक लेयर पकड़ना है, यहाँ पे छोटा बड़ा हो गया देख ही सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, अब यहाँ पे उस साइड, इसीलिए बोला हूँ कि मतलब उससे आप लोग करेंगे तो अच्छी तरह से होगा। अब फिर दोबारा एडिट पे जाना और इसको सी कर देना है, यहाँ पे सी कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सी हो चुका है, और थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं इतना पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को फिर दोबारा बैक आना है, फिर दोबारा बैक आना है, डिस्प्ले टच करते ही बैक चले जाएंगे, उसका लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और आप लोग जो बिल्ली डाउनलोड किया उस बिल्ली को यहाँ पे ऐड कर देना है, ऐड करना, इसका जो लेयर है यहाँ पे इतना छोटा कर देना, यहाँ पे इधर इतना कर देना, इधर एडजस्ट कर देना है, अब यहाँ देख सकते हैं इतना कर देना है। अब इस बिल्ली को मुझे सी के अंदर लाना है, तो सबसे पहले इसका जो लेंथ है इसको मैं इतना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इतना मैं कर देता हूँ, यहाँ पे दो सेकंड तक कर देता हूँ। अब कैचिव जाना और ट्रिम राइट कर देना है, ट्रिम राइट करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद आप लोग को बिल्ली वाले पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक की का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चाबी का, आप लोग को इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट पर आ जाना है, लास्ट तक आना है और इस बिल्ली को पकड़ना है और यहाँ पे आप लोग को बकेट के अंदर, यहाँ पे बाल्टी के अंदर ला देना है, यहाँ पे देख सकते हैं बाल्टी के अंदर अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके और उसके बाद आप लोग को सेंड टू बैक कर देना है। अब ये बैक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अभी स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और एक बार मैं प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे आई बिल्ली, अब यहाँ पे उसके अंदर चले गया। अगर मैं यहाँ पे मतलब बैक टू सेंड टू बैक नहीं करता तो बिल्ली बाल्टी के ऊपर रहती, इसीलिए मुझे बैक करना पड़ा कि बाल्टी के आते ही अंदर चली जाए। अब यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, अब इस पर क्लिक करना है बिल्ली वाले पे। इसका जो लेंथ है, जितना लेंथ बड़ा है उतना ही आप लोग को टैक्स रखना है। यहाँ पे टैक्स क्लिक, यहाँ पे कट कर देना है, फिर दोबारा इस पर जाना है, कैचिव ट्रिम राइट कर देना, फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के कैचिव जाके ट्रिम राइट कर देना है। अब ये आपका पूरा हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे बाल्टी का जो लेयर आप लोग ऐड किया है इस पर भी क्लिक करना है, कैचिव जाना और स्लिप कर देना है, फिर दोबारा यह दूसरे वाले पे क्लिक करना है, कैचिव जाना और स्लिप कर देना है, फिर दोबारा इस तीसरे वाले पे क्लिक करना है, कैचिव जाना और स्लिप कर देना है। इतना करने वाले यह दो पार्ट में हो चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो आपका रेडी हो चुका है, अब सेकंड पार्ट पे यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आप लोग को क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे तीन लेयर में है तो फर्स्ट वाले पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे चाबी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को चाबी वाले पे क्लिक करना है और यहाँ थोड़ा सा लेयर इसका बढ़ा लेना है, इतना कर लेना है और इसको पकड़ना है और यहाँ पे ला देना है, इसका एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट करिएगा। फिर दोबारा यहाँ पे सेकंड लेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, चाबी पे क्लिक करना है, इसको प्लस पे क्लिक करना और इतना बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद फिर दोबारा इसका लेयर जो है स्नैप कर देना है। करने के बाद अब फिर दोबारा थर्ड लेयर पे क्लिक करना है, चाबी पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, थोड़ा सा इधर कर देना है और फिर दोबारा इसका जो लेयर है इस पर कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को बारी बारी से सभी पे करना पड़ेगा, चार पांच बारी आप लोग कर दीजिए। प्लस पे जाना है, इधर कर देना है, फिर दोबारा इधर कर देना है और इसको इधर कर देना है, यहाँ देख सकते हैं। फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके चाबी पे जाना है और थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इतना एडजस्ट हो चुका है। अब ये भी यहाँ पे आ चुका है इतना पे। अब यहीं पे चाबी प्लस कर देना है, फिर दोबारा थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसको क्या करना है, इधर कर देना है। इसी तरह से आप चार पांच बारी कर लीजिएगा। फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, चाबी जाना है, प्लस पे क्लिक करना, थोड़ा सा इधर करके, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इधर कर देना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकड़ना है, यहाँ पे सबसे पहले चाबी पे क्लिक करना है और इसको पकड़ना है और ये ऊपर कर देना है। चाबी पे आप लोग जरूर क्लिक करिएगा। अब फिर दोबारा आप लोग को इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद चाबी पे जाना है और थोड़ा सा प्लस करके और थोड़ा सा आगे बढ़ा देना और इसको इधर कर देना है, इस पर कर देना है। अब फिर दोबारा बी वाले पे क्लिक करना और चाबी पे जाना है और प्लस करके थोड़ा इधर करके और इतना भी इधर कर देना है, यहाँ कर देना है। अब दोस्तों मैं एक बार आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। 11 सेकंड तक हमारा यहाँ पे वीडियो रेडी हो रहा है, अभी देखिएगा। यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्ली आई। अब बिल्ली आते ही यहाँ पे बकेट जो है वो घूमने लगा, इधर देख सकते हैं घूमने लगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस पर जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे घूम रहा है, हमारा जितना भी बकेट है इधर घूम रहा है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी है सभी का सभी घूम रहा है। अगर आप लोग चाबी जाओ, क्रोमा की का ये जो चाबी यूज किए हैं,
आप लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ चाबी पे क्लिक करके प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे प्लस देके और थोड़ा सा आगे करके और इसको भी क्या करते हैं जल्दी जल्दी में थोड़ा करीब करीब करके जल्दी जल्दी में भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको घुमाइएगा लेकिन अच्छी तरह से एडजस्ट करिएगा। अब यहाँ पे बैक आ जाना, बैक आने के बाद इतना मेरा लेयर जो है इतना यहाँ पे एडजस्ट हुआ है। तो आप लोग क्या करना है, पहले यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो बैकग्राउंड इमेज है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को कम कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपका जहाँ तक ये हुआ है यहीं पे आप लोग को रोक देना है। यहाँ पे रोकने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपका बाल्टी जो है रुकना है, यहाँ पे रुक रहा है, अब यहीं पे रुक रहा है, चाबी का ऑप्शन यहाँ तक हमारा है तो यहीं पे आप लोग को रोक देना है। रोकना तो अब फिर दोबारा आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे लेयर वाले क्लिक करना और टैक्स पे जाना है और यहाँ पे ए लिख देना है। फिर दोबारा से आप लोग को ए लिखना है, ए लिखते ही आप लोग को थोड़ा बड़ा कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे भी आप लोग को रेड ही कलर रखना है, दोनों सेम रखिएगा। और यहाँ पे जिस तरह से स्टार्टिंग में किए आप लोग आउटलाइन, उस तरह से आप लोग को कर लेना है। करने बाद आप लोग को क्या करना है, इस तरह से पकड़ के इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। करने बाद आप फिर दोबारा थ्री डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे जाना है और एडिट पे जाना है और इसको क्या करना है, बी लिख देना है, यहाँ पे बी लिख देना है। बी लिखने के बाद ओके कर देना है और यहाँ पे आप लोग को इसको नीचे ला देना है, इस तरह से नीचे ला देना है। लाने के बाद फिर दोबारा आप लोग को थ्री डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे तीन लेयर हो चुका है तो फिर दोबारा एडिट पे जाना और यहाँ पे सी लिख देना, यहाँ पे सी लिख देना, उसके बाद ओके करना और इसको पकड़ के इसको इस तरह से यहाँ पे इस पे कर देना है। अब यहाँ पे हमारा आ चुका है, तो पहले जो बिल्ली था वो सी के अंदर गया था लेकिन अब आप लोग को क्या करना है, ए या बी के अंदर निकालना है। तो फिर दोबारा आप लोग को बैक आना है, लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाना और बिल्ली जो है आप बिल्ली डाउनलोड किया उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे बिल्ली ऐड हो चुकी है, ऐड होने के बाद अब बिल्ली क्या करना है, इसको इस तरह से यहाँ पे कर देना है। करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इसको बी के अंदर से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसको बी के अंदर से यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना और सेंड टू बैक कर देना है। इसको भी बैक करने के बाद अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा इसका आउटलाइन इतना है इतना करके और उसके बाद बिल्ली को पकड़ना है और यहाँ पे इसको इस तरह से बाहर निकाल देना है, इस तरह से बाहर निकाल देना है। अब निकालने के बाद यहाँ पे अब आपका जो वीडियो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा बकेट घूमने लगा, यहाँ पे घूम रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा जो चाबी वाला ऑप्शन है उसको करीब करीब करेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी घूमेगा, अगर थोड़ा मतलब बड़ा बड़ा करेंगे तो नहीं घूमेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा यूनिक की तरह हो और आपका वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा लंबा भी हो जाए। अब आप लोग को क्या करना है, वॉइस ओवर करना है। ठीक है, तो REC पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करना तो आप लोग अपने हिसाब से वॉइस ओवर करिएगा, मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे REC पे तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तब वॉइस ओवर आपका होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, एक बार स्टार्ट करके आप लोग को एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बिल्ली सी के अंदर चली गई, अब बाल्टी घूमने लगी, अब देखते हैं ये बिल्ली कहाँ से निकलती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये बिल्ली किस में से निकलेगी, ए में से निकलेगी, बी से निकलेगी या सी से निकलेगी। लेकिन देखते हैं ये तो बिल्ली भाई बी से निकल गई। इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। ठीक है, अब करने बाद अब देखिए मैं एक बार आप लोग को प्ले करके इसका क्या करना है, साउंड जो है वो थोड़ा सा मिक्सर पे क्लिक करके 100 होगा 200 करके इसको ऑन कर देना है। और यहाँ पे अभी एक बार मैं आप लोग को बैक करके प्ले करके सुना देता हूँ। यहाँ देखिए अंदर चली गई, अब बाल्टी घूमने लगी, अब देखते हैं ये बिल्ली कहाँ से निकलती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये बिल्ली किस में से निकलेगी, ए में से निकलेगी, बी से निकलेगी या सी से निकलेगी। लेकिन देखते हैं ये तो बिल्ली भाई, अब देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे बिल्ली भाई बी तक आया ना। आप लोग पूरा वॉइस ओवर करिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से और आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। आइडियो क्लिक करके यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे आप लोग को एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ये वाला कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव ये हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग पे ला देता हूँ। लाने के बाद अब क्या करता हूँ यहाँ पे बैक आके मिक्सर पे जाके 100 होगा इसको 0 मतलब 25 या 20 पे कर देता हूँ। ठीक है, इतना करके ऑन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितना हमारा बेहतरीन बिल्ली सी के अंदर चली गई, अब पार्टी घूमने लगी, अब देख कितना अट्रैक्टिव हो गया। अब ये आप लोग को यहाँ पे कट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो ऊपर वाला लेंथ होता है लेयर वाला ऊपर का वो जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा आपका वीडियो क्रिएट हो पाएगा। अब आप लोग को बैक जाना और इस वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप लोग को एरो वाले क्लिक करना है। क्लिक करने दें, यहाँ पे आप लोग जो भाई शॉर्ट वीडियो है तो रेजुलेशन 1080 रखिएगा और फ्रेम रेट आप लोग को 60 कर देना है, लेकिन ब्राइटनेस आप लोग 10 ऑन कर दीजिएगा, 10 और 11 कर दीजिए। उसका सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है, ये आपका वीडियो सेव होने लगा। इसी तरह से आप लोग को इस वीडियो को क्रिएट करना है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टाटा, बाय बाय।